तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। कुछ का क्या है कि कुछ बच्चों का ये मतलब कहना है कि हमें ग्रामर्स भी अच्छे से सीखना है, तो हम आगे चल के ग्रामर्स भी मतलब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जल्द से जल्द हम जो भी थोड़ा बहुत है लिखना और क्या कहते हैं बोलना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जिसको बिल्कुल नहीं आता इंग्लिश बोलना या इंग्लिश पढ़ना जो भी है वो कैसे सीखेगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जो हिंदी में ही पेपर देते हैं, हिंदी में सब कुछ होता है, हिंदी नहीं मतलब हिंदी ही आती है उनको, ठीक है ना, इंग्लिश आती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए कि जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, ठीक है ना, गांव में बेसिकली सिखाते हैं, शहरों में तो नहीं सिखाते हैं, क्योंकि शहरों में तो राइमिंग वर्ड बच्चे सिक्स से मतलब नर्सरी केजी और फर्स्ट से ही मतलब शुरू कर देते हैं, तो उनको इस चीज़ की जरूरत तो नहीं पड़ती है। गांव में हम के से क और के से ख सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे जोड़ जोड़ के हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि इसको लर्न करेंगे, के से ख, जी से घ, और इसको लर्न करने के बाद मैं रोज़ क्या करूँगा कि एक टॉपिक न्यूज़पेपर में से एक टॉपिक रोज़ उठाऊँगा और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसको पहले रीडिंग करेंगे, और आपको भी वही टॉपिक उठाना है और उसको रीड करना है, समझने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। हम समझने की कोशिश बाद में करें, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करने लगोगे, ठीक है ना, तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप वर्ड मीनिंग ही ढूंढते रह जाओगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। तो जिसको नहीं आता बिल्कुल पढ़ना, वो ऑब्वियसली वो वर्ड मीनिंग ढूंढता रह जाएगा, तो समझने की कोशिश नहीं करनी है, हमें रीडिंग पर जोर देना है। और रीडिंग कैसे करना है, ज़ोर ज़ोर से करना है, धीरे रीडिंग नहीं करना है, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से रीडिंग करने पर क्या होता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं ज़ोर ज़ोर से रीडिंग करने पर। पहला फ़ायदा मैं यही बताऊंगा आपको जो आपके लिए अभी ज़रूरी है, कि ज़ोर ज़ोर से आप रीडिंग करोगे तो आपको जो टोन है इंग्लिश बोलने का वो ठीक होगा, ठीक है ना। जैसे कई वर्ड जो है हम बोल नहीं पाते, अगर आपकी मम्मी है या पापा है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे कई वर्ड जो है उनका अलग निकलता है जो इंग्लिश के वर्ड हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। तो इससे क्या है कि ऐसी गलती हम ना करें, ठीक है। अब इंग्लिश में एक्नॉलेज जो है, ठीक है ना, तो एक्नॉलेज को एक्नॉलेज बोले, एक्लाजीब ऐसी मत ना बोले, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज हम क्या देखेंगे कि आज का जो द हिंदू का आर्टिकल है एक, ठीक है ना, आर्टिकल या जो भी कहें, तो इसमें पीएम मोदी ने क्या किया है कि इनॉग्रेट किया है, ठीक है ना, नेताजी स्टेटस को, और जो कर्तव्य पथ है, जो राजपथ था पहले उसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया। तो इसको हम रीड करेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें बस रीड करना है। तो मैं शुरू करता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी मतलब समझना इस चीज़ को, और फिर आप अपने से भी रीड कर सकते हैं उसको, चाहे कोई इशू नहीं है। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कर्तव्य पथ, अनवील नेताजी स्टेटस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द स्टेट ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड टुक अ वॉक अराउंड द न्यूली नेम कर्तव्य पथ। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट सिंबलाइज अ शिफ्ट फ्रॉम इस्टेवाइल राजपथ बीइंग एन आइकन ऑफ पावर टू कर्तव्य पथ बीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एंड एम्पावरमेंट। मिस्टर मोदी ऑल्सो अनवील्ड अ स्टेट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। दीज स्टेप्स आर इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स सेकेंड पंचपरन फॉर न्यू इंडिया इज अमृत काल। रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंड सेट द गवर्नमेंट सेड। तो जैसा कि मैंने इसको रीड किया, ठीक है ना, इसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी की है, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा जो भी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसमें जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियों मैं आपको बताता हूँ कि आप जब वो गलती करोगे तो कैसे ठीक करोगे। मैंने पहली जो गलती की है वो स्टैचू को हमने क्या बोला है, स्टेट बोला है, ठीक है ना। तो आपको, और दूसरी जो गलती है
स्टेट वाइल जो है उसको हमने कुछ बोला था, मतलब मैंने तो इन दोनों जो गलती मैंने की थी इसको, ये चीज़ आपको इसलिए ये समझाने के लिए किया है मैंने कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे अगर ऐसी गलती होती है तो। इसको हम क्या करेंगे कि इसको कहीं पे मतलब ऐसे जगह पेस्ट करेंगे जिससे हम इसका प्रोनंसिएशन सुन सकें, जैसे आप किसी ट्रांसलेटर पे इसको डाल के देखो, ठीक है ना, और उसको उसका प्रोनंसिएशन क्या मतलब प्रोनाउंस कर रहा है वो उस वर्ड को, उसको आप सुनो और उसके बाद उसको आप अपने मतलब उंगली पे गिन के पढ़ सकते हो, जैसे स्टेटस जो भी है ये सब चीज़ें हैं, या स्टैचू स्टैचू, या स्टेट वाइल हम ऐसे पढ़ सकते हैं, या नेम्ड नेम्ड ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो हाँ सॉरी मैं उनके लिए बताना भूल गया कि जिनको बिल्कुल नहीं आता है पढ़ना वो ऐसे पढ़ेंगे, जब केस से कब वो पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि पी पी से प आ र प रा ई और म प्राइम मी एम म मी ए ई आई ई और एन ई एस टी ई आर ऐसे पढ़ेंगे हम, ताकि हमें क्या हो कि हम भले ही धीरे धीरे पढ़े कोई इशू नहीं है, लेकिन हम क्या करें कि एक महीने में ऐसे कर ऐसा रीडिंग करते हैं, हम एक घंटा रोज़ करते हैं तो डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ कि आप क्या है कि सीख जाओगे इसको, ठीक है। तो हम ऐसे अगर पढ़ेंगे इस चीज़ को तो डेफिनेटली सीख जाएंगे, और मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि आपको एक आर्टिकल में इसका पढ़ाऊँ, ठीक है ना, ताकि क्या हो कि मैंने अभी बहुत ही कम पढ़ा है इसमें, बहुत ही छोटा सा पढ़ा है, लेकिन आप इतना छोटा नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, आप कम से कम एक घंटा इसको रीडिंग करोगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, हो सकता है कि मैं अगर डाउट इंस्टा पे अगर बात से क्लियर नहीं होती है तो मैं कॉल पे भी आपको मतलब ये डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मतलब किसी चीज़ में अटके, ठीक है, मेनली इंग्लिश में जो हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप है ना इसमें मतलब, क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूँ कई बच्चे क्या है कि बोलते हैं इंग्लिश नहीं आता मेरे को, ठीक है ना, मुझे अजीब सा लगता है कि क्या यार मतलब अभी के टाइम पे इनको इंग्लिश नहीं आता कैसे मतलब, और कई बार क्या होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आता उसकी वजह से उनको सुनना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, बाकी आप जो समझो, ठीक है ना, मुझे नहीं पता उसके बारे में, आप मेरे से कभी भी किसी भी टाइम मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अच्छे से इंग्लिश पढ़ो, ताकि इंग्लिश मेहनत करोगे तो डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।